मुंबई में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी मुंबई और आसपास के इलाकों में जारी है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के लोगों के अलावा इस रेड में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता का भी नाम सामने आया है। ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है। हालांकि अभी तक ईडी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का भी घर ईडी के रडार में है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईडी ने छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम प्रूत को हिरासत में ले लिया है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। 90 के दशक में फरार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। गौरतलब है कि शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवसेना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वे ईडी और बीजेपी नेताओं के बीच कथित संबंधों को लेकर कुछ खुलासा कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुई इस रेड को भी इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि संजय राउत ने ईडी की आज की कार्रवाई पर अधिक बोलने से इनकार कर दिया है। देखिए, अगर ईडी के पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जानकारी हो, अगर ईडी कार्रवाई करती है देश भर में, तो उनका स्वागत करना चाहिए। देश के लिए बनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बनी है एक केंद्रीय जांच एजेंसी। अब गुजरात में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड, हम देख रहे हैं ईडी वहाँ कहाँ जाए, वहाँ कब जाए। 25,000 करोड़ का घोटाला है, देश का सबसे बड़ा घोटाला बैंक फ्रॉड, वो दबाने की किसने कोशिश की 2 साल से? कौन थे वो लोग? 2 साल से ये FIR तक होने नहीं दे रहे थे। हाँ, तो ईडी ने वहाँ भी जाकर, वो लोग कौन थे, किसका इंटरेस्ट था उसमें, लोगों को भगाने के लिए जो मुख्य आरोपी थे उसमें, कॉन्स्पिरेटर थे, वो कैसे भाग गए, ये तो बहुत ही रिसर्च की बात है। चलिए लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।